आज हम जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई नहीं आता कैंपिंग करने, लेकिन हम जाएंगे, देखते क्या होता है। बारिश में के बाद ये जगह बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी से आप समुद्र पे आए हो, बिल्कुल समुद्र तट जैसा फील आ रहा। देखो आप पानी की वेव्स देखो, ये देखिए बहुत शांति है यहाँ पे। आज ट्राई करेंगे यहाँ कैंपिंग करने का, देखते हैं क्या होता है। कैंप तो ले आए हम लोग, हर चीज़ लाए, लेकिन ये जगह सही बनेगी रात को कि नहीं बन पाएगी ये पता नहीं। अभी थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग, सोचा था हम लोग कि जल्दी आ जाएंगे लेकिन लेट हो गए। मनोज भैया हमारे, ये यहाँ पे हमें तिगरा पे मिले थे और ये हमारे लिए क्या कहते हैं मछली और रोटी लेके आए। नॉनवेज मैं तो खाता नहीं, कोई बात नहीं लेकिन क्या ये लेके आए। और हमने इनसे बस इतना पूछा था कि भैया हम बैठ सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए इतने खातिरदारी करके खाना पूरी, देखो रोटी और साथ में मछली लेके आए, मछली की सब्जी लेके आए भैया के लिए, भैया खाएंगे। धन्यवाद भैया आपका बहुत। स्टार्ट कर दी है बॉन फायर भैया ने, और थोड़ा सा रोशनी अब बनी रहेगी तो मन अच्छा लग रहता है, और हमेशा आग से नेगेटिविटी नहीं आती तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आग की आग से नेगेटिविटी चले जाती है हमेशा, कभी भी कैंपिंग करो तो आग हल्की जलते हैं। पूरा मेहनत का काम है ये, पूरी रात भाई हमारे पूरी रात बैठे रहते हैं। देखिए फिर से ये लोग लेकर चुके अपने काम पे, अब पूरी रात ये मछली पकड़ेंगे और सुबह वापस आएंगे, तो ये कठिन ज़िंदगी है। तो अभी हम लोग टेंट में बैठ चुके हैं और ब्लॉग इतना करने का मन नहीं है, सुबह करेंगे ब्लॉग। अभी अपन रात की टाइम लैप्स लेते हैं तारों की, और जिस चीज़ के लिए मतलब जो चीज़ यहाँ मतलब ऐसे नॉर्मल घर में नहीं मिल सकती, गोले में नहीं मिल सकती शहर के अंदर, तो यहाँ क्योंकि लाइट पॉल्यूशन बहुत कम होता है आसमान के अंदर, तो यहाँ तारे दिखते हैं पूरे पूरे। और अभी हमें मिल्की वे भी दिख रही है आँखों से, तो कैमरे से तो दिखी जाएगी है ना, तो उसको लेते हैं और आपको मिलते हैं सुबह शायद, ये बीच में अगर कुछ हुआ तो आपको दिखाएंगे है ना। कहाँ सो रहा हूँ मैं, ये है बोट, और इस बोट में और वो भी खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए मैं लेटा हुआ हूँ। रात के 10 या 11 बज रहे शायद, और अभी पता है इस वक्त तो लोग अभी निकल रहे हैं मतलब अपने काम पे, क्योंकि दिन में मछलियाँ इतनी दिखती नहीं है, तो रात को ये लोग निकलते हैं क्योंकि रात को मछलियाँ ऊपर कूदती हैं, तो ये मछलियाँ पकड़ने गए हैं। और ये कह रहे हैं हम लोग सुबह वापस आएंगे, अभी जाल लगाएंगे पूरी रात और फिर सुबह वापस आएंगे। तो अभी ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है, ऐसे सुनसान एरिया भी नहीं है ये, और ये जो साइड है तिगरा का यहाँ काम चलता रहता है हमेशा। सुनसान एरिया जो है देवखो वाला है, देवखो वाले एरिया पे आप रात को नहीं जाने का अच्छी रास्ता नहीं है वो मतलब, लेकिन ये जो एरिया है तिगरा का यहाँ काम होता रहता है हमेशा, पीछे पुलिस क्वार्टर्स भी हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए बाकी भाई अपने इन्जॉय कर रहे हैं और अपन भी करते हैं, अभी थोड़ा सा बैठते तारों को देखते हैं। मैगी तैयार हो चुकी है, मैगी खाते हैं और फिर सोएंगे आप, तो फिर मिलेंगे सीधा सुबह, बढ़िया आ जाओ आ जाओ। भैया जी हम लोग सो रहे हैं और ऊपर तारे हैं,
आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको टाइम लैप्स में दिख गए होंगे तारे। और अब हम यहाँ से सो के सुबह उठेंगे। इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंट जो है, ये टेंट थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही अच्छा है, तो हवा ही नहीं आ पा रही इसके अंदर। तो ये ठंड के लिए बना था लेकिन गर्मियों में नहीं सह पाएगा, ये ग्वाले गर्मी नहीं सह पाएगा। बस और क्या, सो जाते। और पगड़ी भी बांधी हुई है, पगड़ी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि खिड़की खुली है तो कीड़े वीड़े घुस जाएंगे कान के अंदर, तो सेफ्टी है थोड़ी, है ना। वन भैया पे सेफ्टी नहीं है बेचारे भैया। अरे नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला देखिए। लेकिन लेकिन देखो ये भी बहुत अच्छा एक है, ऊपर देखो तारे दिख रहे हैं, ये अलग ही व्यू है, लेकिन खुला हुआ है बस, ये सब प्रॉब्लम है। और क्या, सो जाते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। पूरी रात की मेहनत और मछली लेके वापस आ रहे हैं, यही तो अलग चीज़ है यहाँ की। यहाँ लोग पूरी रात मेहनत करते हैं, ये देखिए। तो सुबह हम लोग उठ चुके हैं और अभी थोड़ा बहुत सफाई करेंगे क्योंकि रात को हम लोगों ने यहाँ जो मतलब चिप्स विप्स मैगी वैगी बनाई थी ना, तो थोड़ा कचरा हो गया। तो अब जहाँ भी आते हो सफाई हमेशा रखना क्योंकि यहाँ पे गंदगी काफ़ी पहले से ही फैली है, क्योंकि यहाँ आसपास लोग भी रहते हैं और लोग भी आसपास के बहुत लोग आते हैं। इसको साफ़ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अभी जितना भी हमने कचरा रखा था हम लोग अभी कलेक्ट करेंगे। रात को हमें दिखा नहीं था सब कुछ, रात को एक जगह स्पेस नहीं मिल रही थी हर चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, तो हवा वाई थोड़ी बहुत चीज़ें उड़ गई हैं, तो उन चीज़ों को अभी हम लोग कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं और फिर हम लोग यहाँ से टेंट को पैक करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। बहुत खातिरदारी हुई है हमारी मनोज भैया की वजह से, और अभी मनोज भैया हमें चाय दे गए। यही ज़िंदगी है, अभी अनजान लोगों से आप मिल लेते हो, अनजान लोग आपके इतने सगे हो जाते हैं, यही ज़िंदगी है। और ये आप को आप इसको प्लान नहीं कर सकते, ये अनप्लान्ड ही होता है।
तिगरा साइड आ रहे हो तो देवखो या फिर जो बाकी एरिया है, जो सुनसान एरिया, वो सुंदर है लेकिन वहाँ मत रुकना रात को, ठीक है। रात को वो जगह सेफ़ नहीं है। सबसे सेफ़ जगह मुझे जो अभी दिखी है वो यही है। और ये जगह, यहाँ पानी भी बहुत आ जाता है बारिश के टाइम पे, अभी भी काफ़ी पानी है। देखो आप देखोगे पूरा तिगरा भरा पड़ा है। यहाँ इस तिगरा का समझ लो बैक साइड है, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, अगर आप किसी से यहाँ पूछ लीजिए, और यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो, है ना, रात को रुक सकते हो। ये बोट के ऊपर, किसी की बोट पे परमिशन लेके सो भी सकते हो रात को। हल्की हल्की बोट हिलती है तो मज़ा आता है सोने में, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का हमारा। और आपने वीडियो देखा होगा रात के, मेरा मेन पर्पज़ हमेशा ये रहता है कि जो मैंने रात को देखा, तारे देखे, वो आपको दिखाऊँ। तो बस यही था, और अब वीडियो को एंड करते और चलते हैं हम वापस घर, है ना। तो देखिए रात को हम सो नहीं पाए, मतलब कम सोया हमने, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस था तारों का, खुले आसमान में तारों के नीचे सो रहे थे, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारी, हमें कोई थकान नहीं हुई, ठीक है। तो जो नींद, मतलब ऐसा लग रहा था कि सपने में हैं हम लोग, ऊपर तारे चल रहे हैं, शूटिंग स्टार्स चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर जो एक्सपीरियंस था, तो कैंपिंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। नाइट कैंपिंग मैंने आज तक नहीं करी, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अब लगातार होती रहेगी ये चीज़, अब ये बंद नहीं होगी। ये आपको हर जगह, आपको हर 10 वीडियो बाद ये शायद दिख ही जाए, कैंपिंग कहीं ना कहीं मैं करूँगा ही, ठीक है। तो ये होता है कि जब पहली बार आप कोई चीज़ करते हो तो आपको थोड़ा लगता है, लेकिन आप एक बार चीज़ उस चीज़ को कर लो तो वो टेंशन नहीं है। रात को आवाज़ें आती हैं, पानी में से आती हैं, कहीं से आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ें अपन को, अपन रात का टाइम की वजह से अपन को दिख नहीं होता ना, तो अपन सोचने लगते हैं उस चीज़ के बारे में कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। हमें लग रहा था रात को मगरमच्छ है, लेकिन मगरमच्छ नहीं था असली में, यहाँ घड़ियाल हैं वैसे, लेकिन ये जो ये क्या है, जंगल साइड एरिया में ज़्यादा दिखते घड़ियाल, यहाँ नहीं दिखते। ये गाँव है पूरा, देखो। अगर आपको ये जगह नहीं मिल रही तो आपको मस्जिद ढूंढनी है, किसी से पूछ लेना मस्जिद कहाँ है तिगरा के पास। तो इस मस्जिद के साथ में अंदर रोड आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा कचरा होता है, लोग काफ़ी कचरा फैला देते हैं यहाँ, लेकिन अगर आप आओ तो प्लीज़ कचरा ना करें इधर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।